दिग्विजय सिंह को लोग ऐसे ही राजनीति के चाणक्य नहीं कहते। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में कमलनाथ ने नूरी खान को उतारा तो दिग्विजय सिंह ने विभा पटेल का नाम आगे बढ़ा दिया और फिर अर्चना जायसवाल को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया। अर्चना जायसवाल को दूसरी बार प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान दी गई है। इससे पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अर्चना जायसवाल को 2015 में इंदौर महापौर पद के चुनाव में उतारा था। कुल मिलाकर जब जब मौका मिला दिग्विजय सिंह ने उन्हें आगे बढ़ाया। अब 2023 का विधानसभा चुनाव अर्चना जायसवाल के कार्यकाल में लड़ा जाएगा। अर्चना जायसवाल की नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिग्विजय सिंह ने महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पाले में कर लिया है, जो कि एक तरीके से कमलनाथ को झटका माना जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ महिला प्रदेश अध्यक्ष पर नूरी खान को बिठाना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने दिग्विजय सिंह की करीबी अर्चना जायसवाल को प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया।